तो दोस्तों ये है मेरे पास आज बोट का एयरडॉप्स 131 और आज हम इसका रीसेट करने वाले हैं। तो दोस्तों रीसेट करने के लिए आपको देखना होगा कि आपका जो एयरबड्स है एयरडॉप्स है ये दोनों ऑन होने चाहिए। जैसे कि आप सबको वीडियो में दिख रहा है कि इसका एलईडी लाइट है जो ऑन है और ब्लिंक कर रहा है। आपको फिर सिंपली करना है क्या दोस्तों, ये जो बटन होता है इन दोनों एयरडॉप्स के दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और लॉन्ग प्रेस तब तक रखना है जब तक ये ऑफ होके फिर से ऑन होके फिर ऑफ ना हो जाए। तो गाइज मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ध्यान देना है। देखिए मैंने दोनों बटन को प्रेस करके रखा और ये ऑफ हो गया है और इसके बाद फिर भी आपने हटाना नहीं है, हाथ को दबा के ही रखना है और ये फिर से ऑन होगा। ये देखिए अब ये ऑन हो चुका है और फिर भी आपने हटाना नहीं है, इसको दबाए रखना है और ये फिर से अब ये ऑफ हो चुका है। ये देखिए अब ये ऑफ होगा, अब दोस्तों हटा देना तो अब ये आपका जो रीसेट है वो डन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसको करना है और इसके बाद आपने करना है क्या, सिंपली आपका जो चार्जिंग केस है उसके अंदर आपको इसको रखना है और उसके बाद निकाल लेना है। जैसे कि मैं आप सबको रख के दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये मैं इसको रख देता हूँ और इसको थोड़ी देर रखने के बाद इसको हम निकाल लेंगे कुछ सेकंड के बाद, यानी कि एक दो सेकंड के बाद आपको इसमें से निकाल लेना है। जब आप इसको निकालोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और दोनों आपस में पेयर होंगे। ठीक है दोस्तों ये देखिए अब ये दोनों आपस में ऑन है और ये पेयरिंग मोड पे आ चुका है। अब आप अपने स्मार्टफोन के साथ इसको पेयर कर सकते हो और आप में इसमें देखना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बिल्कुल रीसेट हो चुका है। तो गाइस ये रीसेट करने का तरीका जो दोस्तों मैं आप सबको बता दिया हूँ और इस तरीके से आप सब इस एयरडॉप्स को रीसेट कर सकते हो। तो गाइस आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइस इसके बारे में अगर आप सबने और भी कुछ पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।